सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप सब अपने अपने घर में बढ़िया होंगे। और पहली बात तो राम राम सभी को। और दूसरा चीज़ बता दूँ, हाँ भाई नहीं बंद हुआ मेरा दूसरा चीज़ बोलना, मैं भी कॉलेज में हूँ, कॉलेज से ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ जस्ट। और अभी हम जा रहे हैं सर के पास, सर का सब बैठे हैं यहाँ पे। हम बता दूँ श्रेयांश भाई भी आ चुके हैं इंदौर में। गाइस श्रेयांश पहुँच चुका है इंदौर, उसको लेने जाना। और सर कैसे हैं आप? गाड़ी नहीं है यार उसके पास, जाना पड़ेगा मन को। हाँ कुछ और बोल रहा था। हाँ भाई नहीं, मेरे को भी यही बोला सर। ठीक है हम आते हैं फिर। एक कल बोला सही बोला था ना, क्या ये जो अनुपुर से आता तभी अच्छा लगता है। हाँ अभी तीन दिन हुआ ना, तो भी अच्छा लग रहा है। मतलब सर मेरे पता है बेस्ट थिंग अनुपुर के बारे में क्या पता है? वो मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है। वो इसे मैं बारे में पता है कि अच्छी चीज है, मेरे घर से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है वो, सिर्फ अच्छी बात है। कहाँ किसकी? यहाँ से मुरैना। अनुपुर के बारे में अच्छी भाई, 700 किलोमीटर दूर है इंदौर से। बाप रे, इंदौर से 700 किलोमीटर, 750। उसको और दूर दूर करने में उधर छत्तीसगढ़ साइड घुसेड़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ही आ जाए वो। छत्तीसगढ़ मैं कुछ नहीं बोला, ये चीज़ बोलिए किलोमीटर वाला तो मैं नहीं बोला हूँ बोलने के लिए। बोला मैं, बोला मैं ऑफ कैमरा बीटीएस डाला था साथ में। अरे भाई ठीक है, सॉरी भाई, ये सब स्क्रिप्टेड है। हाँ सब स्क्रिप्टेड है। और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना आप इनकी, इसकी बात मत आया करो। किस चीज की पार्टी? कितना कमाएगा पैसा भी? मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं कर्जे पूरे कर रहा हूँ भाई, लोन मेरे ऊपर ईएमआई चलती है मेरी, तुमको क्या पता भाई। मैं पहले मेरे पैसे दे दे अभी तक। हाँ तो वो बस यही सब इसीलिए तो कमा रहा हूँ भाई, तेरे पैसे सबसे लास्ट में दूंगा, तो दोस्त है ना अपना, भाई है तो भाई के लिए धर्म कर दो। मैं पैसे से देगा तो भाई, भाई के लिए मैं मत रख भाई, पैसे से मजाक नहीं यार। ठीक है सर, भाइयों को पैसे लेट में देगा तो बात है तो भाई ऐसा ही है मेरा, तो जो रिश्तेदारी बना ले उससे बोल दो भाई पैसे देना। पैसा कहाँ कमाया, कैसे कमाया इसने? किसने पैसा कैसे कमाया इसने? ऑफ कैमरा बात कर बताना चाहूंगा मैं। अच्छा 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 भाई, वो जो तो बॉयज एंड गर्ल्स इट्स टाइम टू लीव आवर कॉलेज, चलते हैं बाय। अभी चलते हैं क्यों श्रेयांश को, चले श्रेयांश क्या किया और कहीं भाई मेरा आँख मुझे जरूरत है घूमने। आ जाओ अंधे के सहारा, अंधे का फीस नहीं करना, रजिस्ट्रेशन करवा दे। अरे फीस नहीं भरेंगे अरे, चल रहे अभी नहीं, चल चल चलो अभी चल, चलो भाई फीस भर के आते। तो भाई अभी थोड़ा सा टाइम लग गया था कॉलेज में क्योंकि फीस पे करना था। पापा जी यार बहुत दुख होता है कसम से, आपको अगर ब्लॉग देखते हो बहुत दुख होता है मेरे को जब मैं कॉलेज का फीस देता हूँ, लिटरली मेरे को बहुत दुख होता है। मेरे को लगता नहीं क्योंकि मैं देख पढ़ाई में आगे स्कोप है नहीं मेरा, तो मैं करना नहीं चाहता। और फिर जब मैं कॉलेज का फीस देने जाता तो मेरे को लगता बहुत बुरा है, जेन्युइन बात बताऊँ तो समझे। तुम लोग को बताऊँ एक चीज़, मैं कुछ दिन पहले तो विकास जब हम गणेश जी रखे थे यहाँ पे और था यहाँ पे, तो हमने एक चीज़ बोला था याद है तेरे को कि हम कॉलेज में कुछ करने वाले हैं, कॉलेज में कुछ करने वाले थे। लेकिन हुआ क्या उसका उल्टा, हम बता दो भाई कैंटीन लेने वाले थे, बता देते अब तो मिला नहीं, तो वो किसी और का आउट ऑफ मतलब कॉलेज कोई बाहर गए थे उनको मिल गया, हमको तो मिला नहीं। तो अभी चलते हैं श्रेयांश भाई का हो गया। तो भाई अभी मैं कॉलेज से हम लोग आ गए हैं दोनों, ये रहा धान देख मैं, और हम एक नया चीज़ कर रहे हैं, श्रेयांश को लेने हम बाइक में जाने वाले थे लेकिन अब हम जाएंगे ई रिक्शा में, और श्रेयांश को नहीं पता ये चीज़, देखते हैं क्या क्या रिएक्शन आता है उसका हरामी का। चलते हैं भाई इधर रेडिशन के पास में ही, ई रिक्शा वाले को बोले भाई वेट करना आ रहे हैं हम। भाई शाम को इंदौर देख लो फिर से वापस से मामा के यहाँ। मैं नीचे चल के पूरी एक एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन अभी तो मैं छत में आया था, थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा था अंदर भाई। ये वाला पोर्शन, ये इतना मैं एक बार दिखाता रखना, ये पोर्शन स्क्रीनशॉट ले लो भाई वॉलपेपर के लिए, लग रहा है इंडिया ये, तुम खुद देखो ना भाई ये घर, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद बल्टियाँ, फिर बिल्डिंग ऊपर बड़े बड़े, तो लगता है कि कहीं तो रह रहे हैं। इधर देख के उतना ज़्यादा नहीं लगता लेकिन इधर लगता है, पीछे देख के कॉल आ रहा किसी का। तो भाई फिर से बेस्ट बेस्ट क्वालिटी, एक मिनट बैक करके फिर से अच्छी क्वालिटी हमारी, वो क्या नाम है ये हमारी जिसका तबीयत खराब था, जो मैं बोल रहा था ना एक्टिंग कर रही था, एक्टिंग नहीं कर रही थी, इसको अस्थमा अटैक आया था बता दूँ तो, ये सो ही पड़ी है। क्या कैसा लग रहा है माई लॉर्ड? ओए ओए अभी भाई ये दो तीन चार चॉकलेट लाया था, दो खा गई, दो बचा तीन चार पेल गई, ये इनका तबीयत खराब है। और मैं अपने घर के धुरंधरों से मिलवाता हूँ, एक ये हमारी मामी और एक ये धुरंधर हमारा सेफ। क्या भैया क्या बना रहे हो आज? सोयाबीन की बड़ी। ये ठीक ठीक ठीक
मुझे भी खिलाओ यार सोयाबीन की बड़ी, मजा आएगा। हाँ बाबा बंद कर रहा हूँ भाई, बंद कर रहा हूँ, कल से ब्लॉग बंद, कल से ब्लॉग नहीं आएंगे भाई। अब तो लोग देख रहे हैं, चाह रहे थे शब्दों का प्रयोग करो जिससे आप है ना थोड़ा सा काम करो है ना। तो भाई मैं बता दूं पहले कि मैं पहले जाने वाला था जहाँ सांस को लेने, तो वैसे भी क्लिप देख ली थी, पूरा एडिशन तक पहुंच गया था, लेकिन फिर मम्मी को कॉल आया कि ये बोल नहीं पा रही थी, अस्थमा अटैक आया था, तो फिर उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मामी पहले पहुंच गई थी, फिर उसके बाद मामी पहुंच गया, बीसी पहुंच गया था, मैं भी वहां ब्लॉक तो किया नहीं अंदर, लेकिन ठीक है अभी नॉर्मल हो गया। वो कुछ वेपराइजर वगैरह वो वहां पे रखा है, ये वेपराइजर ये दिए उन्होंने, तो अभी ये हाँ मी क्या हो गया है ना ना मैं ना इसको बना कर रखो वापस से। हाँ बना लिया, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं कह रहा था कि जैसे फिर उसके बाद इसको मामा के यहाँ छोड़ दे, क्योंकि हमारे यहाँ सफोकेशन ज़्यादा होता है, तो हम इसको मामा के यहाँ छोड़ रहे हैं आज, आज नहीं मतलब दो तीन दिन अभी, जब तक इसे थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाती, उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी रूम चेंज करने का भी सोच रहे हैं। मम्मी बोल चुकी है रूम चेंज करने का, तो मेरे दोस्तों में बता दूँ अब थोड़ा और जल्दी जाऊँगा रूम चेंज करके। तो अब चलते हैं किधर अब से, और दूसरी चीज़ भाई श्रेयांश भाई यार सॉरी तुम्हारे तुमसे मिल नहीं पाया, अभी मैं ये वाला काम करके आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मिलते हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉग पूरा एंड कर रहा हूँ, मतलब एंड मतलब श्रेयांश के पास अभी तो मिला हूँ, श्रेयांश भाई आए हमारे, या फिर मैं तुमको अगले ब्लॉग मिला दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।